जब सिर्फ एक कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड हो तो वोल्टेज और करंट में से लीड कौन करता है, लैग कौन करता है? या फिर सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो एसी सोर्स के साथ तो लीड कौन करता है, करंट या वोल्टेज? या फिर लैग कौन करता है, करंट या वोल्टेज? अक्सर ये क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप फिजिक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एक आज ऐसा ट्रिक मैं आपको देता हूं जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन किस में लीड करता है। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग कौन सी है, तो इंस्टेंटली आपका आंसर होगा ऑफकोर्स सर IPL। तो चलिए IPL में I का मतलब है इंडक्टर, P का मतलब है पोटेंशियल और L का मतलब है लीड, क्योंकि IPL पूरी दुनिया में लीड कर रहा है, इसीलिए इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। इसी तरीके से हम एक और लीग के बारे में सोचे जो कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है, CCL। तो यहाँ C का मतलब कैपेसिटर, फिर C का मतलब करंट एंड L का मतलब लीड, मतलब कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है बाय π/2 रेडियन। तो कैसा लगा ये ट्रिक, मजा आया ना? तो इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग फिजिक्स ट्रिक्स के वीडियोस के लिए हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।